बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय ग्रामीण मंत्री प्रदीप जैन ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश में कौशल्या माता की इस पावन धरती पर गौ माता का बराबर सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 15 साल के शासन में इन्हें कभी याद नहीं आया कि माता कौशल्या का यहां धाम है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राज्य में किसानों और आदिवासियों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गायों के लिए बहुत काम किया है, बीजेपी को भूपेश बघेल की चरण वंदना करनी चाहिए, वहीं इन लोगों में कोई विजन नहीं है। किस तरह मां को मां समझा जाता है।